हम बात कर रहे हैं टाटा केमिकल की। आज के दिन की बात करें तो 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक जो है 1050.05 रुपीज़ पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। इससे पहले वीडियोस में बाउंस बैक किया था तो हमने इस बाउंस बैक के साथ ये जो हाई 1060 तक के टारगेट को डिस्कस और स्टॉक जो है हमको अपसाइड दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार आप ट्रेंड में देख सकते हैं, अभी गिरावट के बाद ऑलमोस्ट 1000 के आसपास से स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। अब अगर यहाँ से स्टॉक रिजेक्शन लेता है, गिरावट दिखाता है, तो देख सकते हैं इससे पहले जहाँ सपोर्ट लिया था 1040 का लेवल, यही लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ब्रेकडाउन कर जाता है तो अगला लेवल रहेगा 1020 का लेवल, जो कि इसका फिर तगड़ा सपोर्ट रहेगा। दो दफ़ा स्टॉक ने इसी के आसपास से सपोर्ट लिया है, बाउंस बैक कर रहा है स्टॉक गिरावट के बाद। इससे पहले हमको लोअर लो चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिला था, यानी जंप पर रिजेक्शन, रिजेक्शन पर गिरावट और लो ब्रेकडाउन, यही चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिला था। तो स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है, जहां से दो दफ़ा रिजेक्शन लिया था 1060 इसका मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसी लेवल का ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट है और अपसाइड के लिए। इससे पहले भी इस बात का हमारा डिस्कस हुआ था कि जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक और बड़ा अपसाइड देखने के लिए नहीं मिलता। तो स्टॉक में हमको 1060 का लेवल इमीडिएट टारगेट है और मेजर रेजिस्टेंस है। इस लेवल को ब्रेकआउट अगर कर जाता है टाटा केमिकल 1060 के लेवल को, तो फिर यहाँ से लगातार आप ट्रेंड फिर 1080 और 1100 तक का जंप फिर हमको टाटा पावर, टाटा केमिकल में देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।